ये लगाने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ 360। एक हफ्ता हो गया है, ज़्यादा ब्लॉग वगैरह किया नहीं है। मौसम बहुत ख़राब है तो आई वॉज वेरी बिजी और कुछ कंटेंट था नहीं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आज कुछ नई चीज़ आई है। क्या आई है? वो आई है ये चीज़, समथिंग वेरी वेरी नाइस फॉर माई कैमरा, वेरी गुड। अब क्या हुआ है कि बात, ये मैंने DSLR लिया कुछ लास्ट मंथ, सो तकरीबन कुछ 22 जुलाई के आसपास मैंने ये कैमरा लिया, ठीक है। और 1855 वाला लेंस था ये। तो बात ये है कि जब भी मैं व्लॉग करता हूँ इस तरीके से, तो इतना बड़ा मुंह मेरा दिखता है स्क्रीन पे, एंड आई कांट एक्सटेंड इट बिकॉज वो ट्राईपॉड है और ये कैमरा भी हैवी है, उसके ऊपर माइक लगा हुआ है। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या जुगाड़ करूँ मैं। तो मैं ढूंढ रहा था 1018 करके कोई लेंस है, 17,000 रुपये की लेंस है। सो आई वॉज थिंकिंग, अरे अभी मैंने इस पर स्पेंड किया, आई जस्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, सो इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग सो मच। तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया कि अली एक्सप्रेस पे देखा कि वहाँ पे कोई लेंस वगैरह मिलेगी नहीं, पर नथिंग। सो मैंने एक वाइड एंगल लेंस मंगवाया फ्रॉम, सोच रहा था मैं अली एक्सप्रेस से मंगवाऊँ क्योंकि उसमें कुछ सिर्फ 600 रुपये का था एंड उसमें कुछ बहुत टेम्पटिंग डील था। सो 600 रुपये का था तो आई थॉट कि मैं मंगवाऊँ। तो एक तो अली एक्सप्रेस टेक्स एटलीस्ट 27 to 40 days फॉर इट टू डिलीवर, और अगर वो सही बैठा नहीं बैठा क्या है वी डोंट नो, तो वापस से रिटर्न करना ये वो बहुत झंझट था। तो मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई अमेजोन। तो क्या भाई, ये ब्रांड न्यू है, बॉक्स अनबॉक्स नहीं किया है, बॉक्स पेटी पैक है। लेट मी अनबॉक्स एंड शो यू, मुझे भी नहीं मालूम है। सो लेट सी क्या है इसके अंदर, फिट करके देखता हूँ। इफ इट वर्क्स वेल आप लोग को बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिल जाएगी। ये कुछ आया है 1150 रुपीज़ में, तो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है। पर मैंने बोला चलो ठीक है यार, कोई नहीं, ये तुरंत आएगा, नहीं पसंद आएगा तो वी कैन रिटर्न इट बैक, तो नो प्रॉब्लम। लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट। और मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ और ये निकला, वाओ ये है इतना छोटा सा इसका। सो आई होप कि आप कुछ देख सकते हो, थोड़ा मैं नज़दीक आ जाता हूँ। यस, सो यहाँ पे 58 mm लिखा हुआ है। सो ये जो 1855 वाला लेंस है उस पे ये बैठ जाएगा आराम से, और आप जिस तरीके से अभी इतना छोटा वाइड एंगल देख रहे हो, मतलब जो किट लेंस है ये 1855 का, ये लगाने के बाद इतना बड़ा हो जाएगा और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव टू स्ट्रेच सो हार्ड, और वाइड एंगल मिलेगा एंड मेरा काम कुछ 1000 रुपये के अंदर हो गया है। सो दिस इज़ वर्थ द डील। लेट्स सी, अनबॉक्स करते हैं इसको। ये खोला मैंने, जादू का पिटारा आया इसमें कुछ ये तरीके से, छोटा सा बहुत क्यूट सा ऐसा लग रहा है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर है इसके अंदर। सो ये उसका बिल है, कुछ तामझाम है नहीं। और ये कुछ निकला, ओ वाओ दिस इज द वाइड एंगल लेंस। इस पे लिखा हुआ है पावर पैक, अगर आप देख सकते हो इसे, यस पावर पैक। तो ये मैंने खोला और इस पे लिखा हुआ है डिजिटल हाई डेफिनेशन 0.45 सुपर एक्स वाइड एंगल लेंस विथ मैक्रो जापान ऑप्टिक्स, और ये काफ़ी स्टर्डी लग रहा है। हाँ, मुझे लगा कि प्लास्टिक वास्टिक का आएगा कुछ। सो इसके साथ कुछ क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह तो कुछ आया नहीं है। सो ये अगर मैं इसे खोलता हूँ तो दोनों तरफ ये जो हम बाइनाकुलर जैसा होता है ना, इधर से देखते तो नज़दीक दिखता है, इधर से देखता है तो वाइड दूर दिखता है। सो आई जस्ट हैव टू फिट दिस। सो लेट मी सी वेदर
ये मेरा काम करेगा कि नहीं। तो दो मिनट अभी फिलहाल आप देख रहे हो मेरे किट लेंस से, और एक सेकंड के बाद आप देखोगे ये वाला लगाने के बाद। ये है मेरा वाइड एंगल लेंस। तो फ़र्क कुछ पड़ा? यस, आई थिंक ये दीवार की डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, दिस इज़ वॉट आई फील, एंड इट इज़ सर्विंग माई पर्पस। ये ऊपर भी ज़्यादा हो गया है डिस्टेंस, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यस, 1000 रुपये में मेरा काम हो गया, एंड आई विल बी व्लॉगिंग लाइक दिस। ओ माई गॉड, मेरी बैटरी कम हो रही है, मैंने चार्ज नहीं किया, सो दिस इज़ वॉट आई विल बी व्लॉगिंग लाइक दिस। अगर मैंने ये वाइड एंगल कैमरा का ये डिस्टेंस निकाल दिया, देखा ये, वाओ, और ये लगाने के बाद वाओ, दिस इज सुपर। ये है असली वाइड एंगल लेंस। ये निकला और ये लगाया, ये निकला और ये लगाया, सो इट इज़ सर्विंग माई पर्पस। तो मैं इतना दूर वाइड एंगल मिल सकता है, और ये देखो, ये देखो, वाओ। तो भाई साहब, ये तो पैसा वसूल है, मंगा लो आप अपने वाइड एंगल लेंस के लिए। ये मेरा 200D Mark II लिया हुआ है, और उसके साथ ये वाइड एंगल लेंस 1190 रुपीज़ का आसपास कुछ है, डिस्काउंट वगैरह मिलेगा तो अल्टीमेट बाय है, ख़रीद लो। यही मेरा असली कंटेंट था आज। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मिल गया है। 15-17 हज़ार रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मंगवा लो और ये आपका काम हो जाएगा वाइड एंगल लेंस का। ये वाला जो लेंस है ना, वो सिर्फ 58mm के थ्रेड पे ही बैठ सकता है, और कोई भी थ्रेड पे बैठ नहीं सकता है। सो आई वॉज ऑल्सो अनश्योर कि ये 58 लिखा है तो 58 पे आएगा कि नहीं। 55 वाला भी मिलता है और 58 वाला भी मिलता है, और बहुत सारे अलग अलग लेंसेज है। मैं वो तामझाम में मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे पास ये एक ही लेंस है। सो 58mm के थ्रेड पे यहाँ पे सिर्फ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको लगा के गोल घुमाना है, इसको फिट करना है, और आपका काम ख़त्म। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी मेरा कैमरा चालू है, ये मैंने लगाया इसके ऊपर, इसको मैंने स्क्रू पे घुमाया, एकदम हल्के हाथों से आपको घुमाना है, सो दैट यू डू नॉट डैमेज योर एक्चुअल किट लेंस। उसका एक हल्का सा, एक छोटा सा एक थ्रेड है, उसके ऊपर ही आराम से बैठता है, और ये हो गया अपना काम, बल्ले बल्ले वाइड एंगल लेंस। सो देख लो आप, पसंद आएगा तो ज़रूर मंगवा लो, पैसा वसूल है अपने को यार, 1000 रुपये में और क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो ये लो या तो फिर एक्शन कैमरा से लो। थोड़ा फिश आई आएगा, इसमें भी थोड़ा आना चाहिए। ये अभी हम घर पे हैं, थोड़ा मैं फ़ोटो वगैरह शूट करता हूँ, बट इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि देखो कितना लंबा है। और ये अब मैंने जब भी लेंस निकाला, तभी मेरा मुँह इतना नज़दीक था, सो यू हैव टू रियली सिट बैक लाइक दिस एंड व्लॉग। सो ये मेरा वाइड एंगल लेंस पे है, और ये मैंने अगर निकालूँ, सो ये मैं इतना वाइड एंगल पे यहाँ पे बैठ सकता हूँ। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सो आपको जब भी व्लॉग करोगे तो यू जस्ट हैव टू कीप योर हैंड्स अ लिटिल हियर एंड यू कैन एक्चुअली सी अ फुल बिग वाइड एंगल बिहाइंड। सो ये आपका लाइफ सेवर है, ज़्यादा पैसा खर्च मत कीजिए। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर बजट, जिसको लेंस ज़रूरत है, तो भाई 17000 स्पेंड करो, और उसमें भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ मिल सकते हैं। बट क्यों, ये है ना, मैंने जब ये लेंस लिया तभी मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस थे, तीन ऑप्शन थे इनफैक्ट। ये 1190 रुपये का था, मुझे कुछ डिस्काउंट मिला उस पर मेरे क्रेडिट कार्ड पे थ्रू, और दूसरा एक और है वो कुछ 2250 का था, और उससे भी बेटर वाला था 4450 या 90 के आसपास था। तो आई जस्ट टुक अ चांस, मैं बोला पहले सस्ता वाला मंगवा लूँ, नहीं पसंद आएगा तो इसको OLX पे बेच दूंगा। मेरे को इतना फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं था, तो मैंने ये एकदम कम रिस्क वाला लिया, बट आई थिंक दिस शुड सॉल्व माई पर्पस। सो डिस्क्रिप्शन पे लिंक भेज देता हूँ, डोंट वरी, देख लो, पसंद आएगा तो आप मंगवा लो अपने लिए। सो इसी बात पे लेट्स एंड द व्लॉग। बहुत छोटा सा वीडियो है, आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरा फर्स्ट क्लास नया कॉन्टेंट के साथ। छोटा वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।